हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिक एलिस। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है फेम ब्लीच और ये है मेरे पास एक डायमंड फेम ब्लीच। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप देख सकते हैं कि ये कितना इफ़ेक्ट करेगा। तो ये देखिए, आपको ये एकदम स्पार्कलिंग वाइटनेस देगा। तो लीव अ स्पार्कलिंग वेयर एवर यू गो, न्यू फेम डायमंड ब्लीच है ये। एकदम इंस्टेंटली आपको वाइट शाइन देने वाला है, क्योंकि इसमें डायमंड डस्ट भी मिला हुआ है जो कि आपको डायमंड की तरह चमकाने वाला है। और आपको पता है डायमंड हमेशा के लिए होता है, डायमंड फॉर एवर। और ये है इसके पास साथ हमें एक जो इसमें क्या क्या मिला है, तो एक हमें क्रीम ब्लीच मिली है, एक एक्टिवेटर मिला है, दो हमें इसमें सैशे मिले हैं, दो पाउच मिले हैं और एक स्पैचुला मिला है जिसे हमें इसको मिक्स करना है। इसमें स्पून नहीं दिया है क्योंकि पैक बहुत छोटा है, तो इसको हमने इसमें स्पून नहीं दिया है। अब ये देखिए, इसमें एक प्री ब्लीच क्रीम है जो कि हमें ब्लीचिंग एरिया पर पहले लगानी है। जहाँ जहाँ हमें ब्लीच करना है उस एरिया को हमें पहले प्री ब्लीच क्रीम से मसाज करनी है। तो जितने भी एरिया पर, मैं आपको हाथ पर करके दिखा रही हूँ, अगर आपको मैं हाथ पर करके दिखा रही हूँ, आप इसको फेस पर वैसे ही अप्लाई करें जैसे मैंने किया है। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। इससे सनटैन तो रिमूव होता ही है, साथ में अगर आपकी स्किन थोड़ी सी रफ़ हो जाती है, कोई छोटे छोटे से दाने होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं और अजीब सी स्किन लगती है, तो आप उस टाइम इस ब्लीच को करें तो आप एकदम आपकी स्किन एकदम शाइन करेगी और एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो अब हमें इसमें लेना कैसा है, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो कम से कम 3 पार्ट क्रीम होना चाहिए, तो 1 पार्ट उसमें एक्टिवेटर डालना चाहिए। तो आप अपने आइडिया से, अंदाजे से ले सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा क्रीम ले रही हूँ, अपने अंदाजे से मैंने इसको ले लिया है। इसी के रेशियो से मैं इसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर ऐड करूँगी। तो अगर आप 1 चम्मच क्रीम लेते हैं तो 3 आपको पिंच कम से कम एक्टिवेटर डालना चाहिए, और ज़्यादा हार्ड करना है तो आप 1 पिंच और अपने हिसाब से एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं 1 चम्मच के साथ इन्होंने 1 छोटा चम्मच ब्लीच का लिया है। इसमें 1 चम्मच आता है लेकिन ये छोटा पैक है, मैंने इसको सिर्फ 1 बार यूज़ करने के लिए लिया है, लेकिन एक बड़ा पैक होता है तो उसमें 1 चम्मच भी आता है, जिसको हम उसी हिसाब से इसको मिलाकर इसका पेस्ट बनाते हैं। तो अब आप इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और कभी भी मेटल का बोल बर्तन ना लीजिए, कांच का लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए, इसमें एक्टिवेटर का पार्ट्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल घुल जाना चाहिए उसमें, और बहुत जल्दी घुल जाता है। फिर देखिए, जिस एरिया पर हमने प्री ब्लीच क्रीम लगाया है उसी एरिया पर हमें इसको लगाना है। बहुत अच्छी तरह से लगा कर आप पूरा कवर कर दीजिए, जितना भी हमें लगाना है उसको हमें लगाना है। उसके बाद में हमें इसको कितना टाइम रखना है, तो आप 15 से 20 मिनट तक इसको रखिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा डार्क, हेयर्स ज़्यादा डार्क हैं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं, वरना इससे ज़्यादा टाइम आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बचा हुआ है उसको भी आप अपने पैरों पर या हाथों के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसे आप इसको लगाने के बाद इसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद में आपको लगानी है पोस्ट ब्लीच क्रीम, जो हमें ब्लीच करने के बाद लगानी है, उसी एरिया पे जहाँ पर हमने ब्लीच किया है उसी एरिया पे आपको इसको क्रीम को लगाने के बाद अच्छी तरह से मसाज कर एब्जॉर्ब होने तक इसको मसाज करना है, और ये अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा। और इसमें कुछ ठंडक सी है जिससे कि हमारी स्किन ठंडा फील होगी, क्योंकि ब्लीच के बाद में थोड़ी सी स्किन जलन होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं इरीटेट होती, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हो तो आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन हल्की सी इरिटेशन में आप की ब्लीच कोई प्रॉब्लम नहीं करती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो फेम ब्लीच का, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने हमारा चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।